देखो दोस्तों, कहानी बहुत ही सिंपल है। धर्म वो होता है जिसमें आपको दिल से अच्छा लगे, आपको यहाँ कोई फोर्स प्ले नहीं है और ना ही कोई आपको आपको दिल को बहला दिया और आपका दिल पिघल गया और आप भले बुरे सोचने लगा खुद के धर्म के बारे में और लगा कि नहीं, उनकी गॉड अच्छा है, उनकी गॉड सबसे शक्तिशाली है, महान है, हमारा गॉड कुछ भी नहीं है। ये गलत सोच है, ऐसा सोच में नहीं आना चाहिए। आपका ज़िंदगी अगर अच्छी हो बुरी हो, हमेशा अपने जगह में टिके रहना चाहिए। ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं होता। आपका कर्म जो होता है, आप जिस तरह से काम करते हैं, उसी आधार में आपका ज़िंदगी बनता है। अगर आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, इसको भगवान को दोष देने से लाभ नहीं है। आप भगवान का क्यों दोष दे रहे? आपका प्रयास तो करिए कुछ करने के लिए। ये चीज़ होता क्या है, मिशनरी से जो क्रिश्चियन मिशनरी से लोगों को भेजा जाता है, इसमें लोग कहते हैं कि इनका सैलरी होता है, जिससे सैलरी बेस में लोग काम करते हैं और उसके बाद इनको मोटी रकम मिलता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से इनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फंड आता है, जिसके वजह से ये लोग अली गली में इनको दिखाई देगा कि इनको कन्वर्ट करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा तो हिंदू यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्ट हो चुका है। ये बात उस टाइम का है जब हिंदू ने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म ग्रहण किया था और बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू लोग जो है वो धर्म परिवर्तन किया था और कन्वर्ट होके जब ईसाई धर्म ग्रहण किया था, उसका पीछे काफ़ी रीज़न भी था। और टाइम उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम मदर टेरेसा हुआ करते थे। मदर टेरेसा के टाइम पे मोस्टली जो लोग है साउथ का लोग काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसका पीछे और रीज़न है कि मिशनरी जो है क्रिश्चियन मिशनरी की अहम भूमिका था इसमें कन्वर्ट किया गया था। देखिए यहाँ पर दोस्त क्या है, इधर मदर टेरेसा का दोस्त नहीं है। अगर क्रिश्चियन मिशनरी का भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है ये देश के लिए, कैसे है मैं बता रहा हूँ। अभी जो हिंदू है ना उसको गुस्सा आएगा। पहली बात है जात पात की जो राजनीति जो है ना, हमारे हिंदू में बहुत था, निज जात को मानते नहीं थे। अभी साउथ में हुआ क्या, साउथ में बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे, वो लोग जो गरीब होते थे, ST NSC जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। ये एक बहुत ज़्यादा सच्चा कहानी है, इतना ज़्यादा पेनफुल स्टोरी है। अगर आप पहले ज़माने की बात करेंगे तो किस तरह से लोग जीते थे उस टाइम, तो धर्म परिवर्तन एक अचानक से नहीं हुआ कि बोला तो हो गया, एक अलग मोमेंट उस टाइम चल रहा था जब साउथ में मदर टेरेसा की टाइम पे जब कन्वर्ट हो रहा था। वो यही हो रहा था कि उस टाइम ट्रीटमेंट जो होता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, डॉक्टर फैसिलिटीज़, वो पहली टाइम साउथ में ही हुआ था। और जब गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता, अगर आप सोच लीजिए आपका तबीयत ख़राब हुआ है और आपका तबीयत ख़राब हुआ है और आप जाएंगे कहाँ, आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत गरीब हो, आपका हार्ट टूट गया, पैर टूट गया, ना बच्चे का जान खतरे में है, कुछ हो चुका है, नहीं तो माँ बाप अब बिस्तर में पड़ा हुआ है उसका, कुछ तो ऐसा फैमिली मेम्बर होता रहता है, तो उसमें उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था। और उसी टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फ्री में इलाज करते थे मदर टेरेसा। और देखिए जहाँ पर जिसके साथ मिलता ना, जो इंसान आपका बुरे टाइम में खड़ा होता है, उनकी एहसान कोई भूला नहीं जाता। तो वही हुआ है, मदर टेरेसा कोई फोर्सफुली बोला नहीं है, उनको फैसिलिटी दिया गया, उनको अच्छे से रास्ता दिखाया गया, मन में जो स्ट्रेस था, दुख था, उनको दूर किया गया। कुछ हद तक हो सकता है कि मैनिपुलेट करके भी, हो सकता है कि थोड़ा सा बहला का भी लोगों को कन्वर्ट किया गया, बट हद तक मैं मानता हूँ कि कुछ तक अच्छे काम भी किए थे। ठीक है ना, अभी दिखाई देगा कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो लोग हैं अली गली में जा रहे और लोगों को कन्विंस कर रहा है और लोगों को मैनिपुलेट भी करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश भी कर रहा, तो ये चल रहा है, ये कोई नया बात नहीं है, बड़ी आम बात हो गया, ये चल रहा है अभी। और एक स्टोरी बता रहा हूँ, अभी तो साउथ की बात है, साउथ में तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है। अगर नॉर्थ की बात को, नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा फैल गया, कैसे, छत्तीसगढ़ चला जाइए, झारखंड चला जाइए, उसको उड़ीसा चला जाइए, वेस्ट बंगाल चला जाइए, UP चला जाइए, बहुत सारे मध्य प्रदेश चला जाए, ऐसे बहुत सारे स्टेट में बहुत फैलते जा रहा, अब बहुत ज़्यादा। अब कौन सी लोग अटैक करते हैं, पोर गरीब ST SC जो गरीब लोग हैं उनको अटैक करता है, वो बहुत जल्दी क्या आता है, बहुत जल्दी वो लोग बहल जाता है। और बिल्कुल दुख में पीड़ित जो होते हैं ना, उनको कोई सहारा मिल जाते, कोई अच्छे लोग मिल जाते, उनकी बातों में आ जाता है। क्रिश्चियन मिशनरी में क्या होता है, कुछ फैसिलिटी मिलता है, उनकी स्कूल में मिलता है फैसिलिटी, उनके हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल किसने बनाया, क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से। देखिए मैं एक हिंदू होकर मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तो
उसमें कुछ फैसिलिटी मिलता है जिसके वजह से लोग चले भी जाता है। यहाँ पर कोई फोर्सफुली किसी को धर्म परिवर्तन करने नहीं बोल रहा है। और एक अच्छे स्टोरी बताने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट का चर्चा बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू कम है, बिल्कुल है ही नहीं, ना बराबर है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कैसे है, उसका एक बहुत बड़ा राज है, उस राज आज कहने वाला हूँ। गांधी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डील हुआ था 1927 में, ठीक है ना, उस डील में क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सारे आप देखेंगे इसे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन क्यों है, रीजन बताना, गांधी जी का बहुत बड़ा बलिदान है, क्या है कि हिंदू से ऊपर के उसने इतना ज़्यादा अत्याचार किया है, और वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, गांधी का कितना प्रेम था हिंदू के ऊपर वो तो सबको पता है, और ये काफ़ी सारे प्रूफ भी है कि हिंदू के ऊपर कैसे किया। देखिए ये जो डील हुआ था नॉर्थ ईस्ट का जो डील हुआ था, उस टाइम क्रिश्चियन मिशनरी के जो हेड था उनसे डील हुआ था, बाय लिखित बाय रिटन डील हुआ था, और वो डील का साइन कौन किया था, नेहरू जी ने किया था। उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि हिंदू साधु जो है उनका अलाउ नहीं था, तो हिंदू साधु का एंटी बैन था, कोई हिंदू टेम्पल नहीं बन पाएगा। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही एक डील बना था, उस एरिया में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि यहाँ पर ना हिंदू जो मॉन्ग मेरे को दिखाई नहीं देना चाहिए, हिंदू मॉन्ग हो, साधु सन्यासी संत हो, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बंद है, वहाँ बैन किया गया था, ठीक है ना। वहाँ पर इसीलिए कोई भी हिंदू वहाँ पर ना टेम्पल दिखाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा, ना किसी हिंदू का अस्तित्व है वहाँ पर, वहाँ पर बट ओनली अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरी को। तो इसीलिए अभी देखेंगे उस जब जो स्टेट अब जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन वहाँ भरा पड़ा, वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी का अलाव था, हिंदू का जो सेंट उसका अलाव नहीं था। तो वो एक कहानी है। तो इस तरह से ना कन्वर्ट जो हो रहा है, कन्वर्ट कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो साउथ में तो ऑलरेडी क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो हाई है ही है, उसके साथ साथ नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट मेरा कहना है कि अगर दिल से कोई चीज़ अच्छा लगता है, कोई धर्म आपको, तो आप खुद जाके उसको ग्रहण कर सकते हैं, आपको कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। आप गली गली में घूम घूम के किसी को ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप किसी को कहीं पे देखा गरीब का बस्ती है वहाँ चला गया कन्वर्ट करने के लिए, किसी अली गली में चला गया वहाँ पर बस्ती में कुछ गरीब लोग हैं वहाँ जाऊँगा, और बस में चला जाएंगे, ट्रेन में चला जाएंगे, इधर उधर जाके आप मुंह मारते रहोगे कि मैं धर्म परिवर्तन कराऊंगा, और आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आप उसी वजह से शायद ये सब काम करना शुरू कर दे, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। धर्म कोई भी हो, अगर अच्छा इंसान बनो, दूसरे इंसान को भी आप उतने इज्जत दो, उतने हेल्प करो, बस जीने के लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बस यही होता है। बट ये कन्वर्ट करने वाला चक्कर जो है छोड़ना चाहिए, बट कुछ लोग विरोध कर रहा है, बहुत अच्छा है, आई एग्री दैट पीपल शुड नाउ यू नो लाइक अभी जग चुका है, अभी लोगों के पास इतना ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, सेंस हो चुका है कि आज कन्वर्ट नहीं होना यार, ये सब गलत हो रहा है, तो अभी रुक रहा है। एनीवे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो दिया हमें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक कर देना, लाइक की वजह से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, और कुछ कमेंट करना तो कमेंट कर सकते हैं।